नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। अदरौलिया स्थानीय विकास खंड परिसर में सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विनोद सिंह लोहरा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के एम सिंह अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी खंड विकास अधिकारी अली अहमद अंसारी ने किया। इस किसान गोष्ठी में कृषकों को रबी सीजन में बुआई की विभिन्न विधियां, फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली न जलाना एवं इन सीटू योजना तहत अनुदान पर प्राप्त हो रहे यंत्रों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के एम सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेती की नई नई विधियों को किसान अपना कर स्वावलंबी बन सकते हैं। उन्होंने मौजूदा समय में चल रही रबी फसल की बुआई की तमाम वैज्ञानिक विधियों को विस्तृत रूप से बताया। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। कमोबेश किसान नहीं है, यहाँ कोई किसान मौजूद नहीं है, केवल समूह की महिलाएं हैं। तो क्या ये कार्यक्रम आपका स्पेशली महिला समूह की महिलाओं के लिए ही आयोजित है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये मेरे द्वारा एक तो कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। हो सकता है कृषक महिलाओं को या पुरुष महिलाओं को दिया जानकारी दी गई होगी, तो उसमें कृषक महिलाएं यहाँ पर जागरूक कृषक महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये भी जाकर के अगर अपने पति को अपनी बात बताएं तो खेती में अवश्य सुधार होगा। सर अच्छा, मुख्यतः फोकस किसान। हाँ, ये बात आपने सही पूछी। जैसे कि आप ये जान रहे हैं कि इस समय जो हमारी जो रबी और खरीफ का सीजन चल रहा है, रबी की बुवाई की तैयारी चली, खरीफ की, और आप देख रहे हैं कि जो NGT के तहत जो ना फसल अवशेष प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में है, कहीं पे भी आप देख रहे हैं पॉल्यूशन ना हो, तो इसके लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जैसे हैप्पी सीडर के द्वारा बुवाई कराएं किसान भाई, और जो है जो धान की जो कटाई करानी है सुपर SMS युक्त वाले जो कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे उसको जो है वो साथ ही साथ जो है हमारे किसान भाई अपने ज़िले में दलहन तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भी हमने इनको जानकारी दी है, जिससे अपने ज़िले में दलहन तिलहन का भी क्षेत्रफल।